दिल्ली च केंद्र मंत्री फूड सप्लाई मंत्री प्रहलाद जोशी नूं मिले पंजाब दे राइस मिलर्स मंत्री कोल रखियां अपनियां समस्यावां। केंद्र मंत्री ने समस्यावां दे हल लई मंगिया 3 तों 4 दिन दा समां। चोणें दी खरीद नूं लैके आम आदमी पार्टी ते बीजेपी विचाले इल्जाम, बाजियां दा दौर जारी। आप ने बीजेपी ते मुल लगाए, किसानां तों बदला लैण दा इल्जाम, तां बीजेपी दा पलटवार, कहा केंद्र ने दित्ते पैसे, हुण सूबा सरकार करे खरीद। 100 ग्राम हेरोइन समेत साबका विधायक सत्कार कौर गहरी गिरफ्तार। खरड़ दे सनी एनक्लेव तो हुई गिरफ्तारी। फिरोजपुर देहाती तो विधायक रहे ने सत्कार कौर गहरी। पंथक संकट च घिरे अकाली दल ने अज सदी हंगामी मीटिंग। कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भूंदड़ की अगवाई च होवेगी वर्किंग कमेटी की मीटिंग। जिमनी चोणां नूं लैके हो सकता है वड्डा फैसला। गिदड़बाहा जिमनी चोण लई अज दिग्गज प्रणगे नामजदगी। बीजेपी उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ते कांग्रेस दे कैंडिडेट अमृता वड़िंग करनगे नॉमिनेशन। आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार डिंपी ढिल्लों भी करनगे नामजदगी। बराला सीट तो बीजेपी दे उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों करनगे नामजदगी। कांग्रेस दे उम्मीदवार काला ढिल्लों तो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे कैंडिडेट गोबिंद सिंह भी करनगे नॉमिनेशन। डेरा बाबा नानक तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप रंधावा भरनगे पेपर्स। बीजेपी उम्मीदवार रवि करण सिंह कालो भी दाखिल करेंगे नामजद। हलका चब्बेवाल तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ईशान चब्बेवाल आज भरनगे नॉमिनेशन। सवेरे 10:30 बजे दाखिल करेंगे नामजदगी। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के बेटे ने ईशांक चब्बेवाल। न्यूज 18 ते सुखबीर सिंह बादल नाल अपने संबंधां ते बोले मनप्रीत सिंह बादल। कहा प्रकाश सिंह बादल दे जान तो बाद साडे रिश्तियां चो तलखी होई खत्म, पर सियासी वखरेवे अज वी बरकरार। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करांगे, सब तो पहला गल करांगे अमृतसर की, जिथे की एनकाउंटर होया है। दरअसल अमृतसर च एनकाउंटर तो बाद दो नशा तस्कर पुलिस दे वलों गिरफ्तार किए गए ने, काबू किए गए। दो हथियार तस्करां दी पुलिस नाल मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर होया। दरअसल डिलीवरी देन आए सन आ नशा तस्कर। तस्करां दे वलों गोली पुलिस की गड्डी ते चलाई गई, हालांकि पुलिस की गड्डी ते गोली भी लगी। इस तस्कर नूं 3 गोलियां लगियां ते हस्पताल च जेरे इलाज है। तस्कर बदमाशा तो 2 पिस्तौल ते मैगजीन भी पुलिस दे वलों बरामद जो है वो कीते गए। न्यूज 18 ते सब तो पहला तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, आही वो थां है जिथे की मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर होया है। हालांकि जांच का विषय है कि आज नशा तस्कर ने किस नूं नशे की डिलीवरी देने लई आए सी। डिलीवरी देने आए सन दो नशा तस्कर, पुलिस नूं इनपुट सी, पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि जदों नशा तस्करां नूं पता चलिया कि पुलिस उन्हां दा पिछा कर रही है, हालांकि पुलिस की गड्डी ते भी इन्हां नशा तस्करां दे वलों गोलीबारी की गई। पुलिस की गड्डी ते भी गोली लगी, हालांकि जवाबी कार्रवाई पुलिस दे वलों भी की गई ते एक नशा तस्कर नूं 3 गोलियां जो ने वो लगियां ने। ते सब तो पहला टारगेट पुलिस दा हुंदा है लत्तां, क्योंकि जिंदा ही इन्हां तस्करां नूं जो है बदमाशां नूं काबू कीता जाना हुंदा है। ते एक नशा तस्कर नूं 3 गोलियां लत्त च लगियां ने, हालांकि जेरे इलाज है, हस्पताल च भर्ती है। तमाम तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। मेरे नाल मेरे सहयोगी अमित शर्मा फोन लाइन ते मौजूद ने। अमित, जानना चाहांगे कि एनकाउंटर कदों दा होया है, कि कुछ इनपुट पुलिस दे कोल सी। जी सरबजोत, बिल्कुल सवेरे 5 बजे की घटना, जिस वेले पुलिस ने सूचना मिली सी कि दो जिहड़े हथियारां दी तस्करी करन दे लई जिहड़ा तारां दे पुल ते नौजवान पुज्जे, ते पुलिस द्वारा उन्हां दा पिछा कीता गया। जिवें ही उन्हां नूं फड़न की कोशिश की गई, उह दोवें जिहड़े तस्कर सी उन्हां द्वारा पुलिस नूं गोलियां उपर चलानियां शुरू कर दित्तियां। हालांकि गोलियां पुलिस की गड्डी ते वज्जी, जिस तों बाद पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इस तों बाद एक तस्कर जिहड़ा कि उसकी लत्तां ते गोलियां वज्जियां, जिसनूं होस्पिटल दाखिल करवाया गया, तो दूसरे तस्कर नूं जिहड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उहदे कोल पुछगिछ की जा रही है। जांच दे विच सामने आया कि जिहड़े तस्कर फड़े गए आ हथियारां दी डिलीवरी करन आए सी, ते इहनां दे होर भी NDPS एक्ट दे मामले भी दर्ज आ। पिछले दिन ही जिहड़ी फायरिंग हुई है उसके विच भी इहनां दी इनवॉल्वमेंट सी। सो पुछगिछ की जा रही है, एक नौजवान नूं गिरफ्तार किया गया, दूसरे नूं होस्पिटल दाखिल करवाया गया, ते होर भी इन्ना को जानकारियां मिलने की संभावना। सो पुलिस द्वारा सारा इलाका सील कर दिया गया, उन्होंने साथी उन्होंने लिंक खंगालन की जरूर कोशिश की जा रही है। कुछ पता चल पाया किसनू आ डिलीवरी करने लई आए सी? जी हाले तक पुलिस सारा जांच का विषय है, उन्हों को लगातार जांच के जुटी। हालांकि उन्होंने को जी हथियार की वो डिलीवरी करना आए थी, दो पिस्टल और मैगजीन उन्होंने को जरूर बरामद किए गए हैं, तो उन्होंने पूरे लिंक खंगालन की जरूर पुलिस कोशिश कर रही है। उन्होंने पिछे के जिन्हें भी लिंक है, उन्होंने नाल कौन कौन है, उन्होंने साथी कौन कौन है, सो सारे लिंक खंगालन की पुलिस कोशिश के जरूर जुटी हुई है।
अमित ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ? ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਨਸਾਨ ਏਰੀਆ ਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮੁੜਦਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲਰ ਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਆ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ? ਜੀ ਸਰਬਜੋਤ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨਸਾਨ ਏਰੀਆ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੋ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਮਾਮ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਤਸਕਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਸੋ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਤੇ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਨੈਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਇਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਆੜ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ 4-5 ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ 3 ਫਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ? ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਐਂਬੈਂਕਮੈਂਟ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਅਸਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਆਈ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ BMW ਸਣੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਬਰਾਮਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਜੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੈਰੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ
उन्होंने गिरफ्तार किया है, काबू किया है। इस मौके आई जी ने दस्या कि सत्कार कौर गैरी खुद ड्रग्स की डील करने उत्थे पहुंचे सन। इस संबंधी आई जी ने दस्या कि एक व्यक्ति ने संबंधी पुलिस को जानकारी दी सी। उसने पुलिस को यह भी कहा कि वह रंगे हत्थी उन्होंने फड़ा सकते हैं। इस तो बाद पुलिस के वालों ट्रैप लगाया गया। इस दौरान उन्होंने भजन की कोशिश की। इस दौरान चिट्टा ड्रग मनी और चार गड्डियां फड़िया गई ने। पुलिस ने यह भी दस्या है कि इसके अलावा चार तो पांच नंबर प्लेटा भी मिली हैं जिन्हों का गड्डियां दे नाल कोई भी राबता जो है वो नहीं है। तमाम तस्वीर खरड़ के सनी एनक्लेव दियां जिथे कि नशे की सप्लाई कर आए से खुद सबका विधायक उन्होंने काबू किया गया। मोहाली के ए एन टी एफ के हुण सत्कार कौर नूं लैके आ चुके ने। तुहानूं तस्वीरां दिखा दिए इसे गड्डी दे विच। ए बी एम डबल्यू है जिदे विच सत्कार कौर पहुंची सी। एक गड्डी होर इन्हें दे नाल सी जिहड़ी हुण तक दी जानकारी जिहड़ी दित्ती गई है। तुहानूं दस दिए कि हुण सुहाणा पुलिस स्टेशन दे विच इन्हां नूं लैके आया गया ते हुण हालांकि एक ट्रैप लाया गया सीगा पुलिस वल्लों। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स वल्लों एक पूरा ये लाया गया सीगा और उस तो बाद हुण इन्हां नूं लैके इत्थे ए एन टी एफ दे पुलिस स्टेशन दे विच लाया गया। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो मोहाली के ए एन टी एफ दस्वीर ने जिथे सारे अफसर वालों पूरी जद रेड की गई ट्रैप लाया गया और उस तो बाद इन्हों इतने लैके आया गया। हालांकि तुम दस दिए कि सीनियर अफसर वालों जी जानकारी दी गई है कि एक इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सी, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सी, जिस तो बाद इन्हों काबू किया गया। रंगी हाथों इन्हों तो ड्रग्स जोड़ा है ड्रग्स के नाल काबू किया गया। तस्वीर तुम देख रहे हो ये तस्वीर ने जिथे इन्हों लाया गया। कल कोर्ट पेश किया जाएगा। तस्वीर तुम वेख रहे हो कि ए एन टी एफ दफ्तर इन्हों लैके आया गया ते पूछगिछ कई चीजा का जो खुलासा है वो सामने आ रहा है। तस्वीर ए एन टी एफ के जो सीनियर अफसर है वह भी इतने मौके से पहुंचे हुए हैं ते इन्हां नूं लैके हुण पुछगिछ कीती जाएगी। तुहानूं दस दिए कि ट्रैप लाया गया सीगा, ट्रैप लाया गया सीगा, जिस तों बाद हुण इन्हां नूं इत्थे लैके आया गया। एक ट्रैप सीगा सन्नी इनकलेव दे विच, सन्नी इनकलेव दे विच इह किसे नूं ड्रग सप्लाई करन आ रहे हैं। ते तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो कि ए एन टी एफ दे विच एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सी, यानी कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स दे विच एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सी, जिस तो बाद इन्हां नूं सनी इनकलेव दे विच ट्रैप किया गया। दो गड्डियां दसी जा रही है, हालांकि इन्होंने भजन की कोशिश भी की और उस तो बाद इन्हां नूं पांच छे गड्डियां जिहड़ी सीनियर ऑफिसर सीगे डीएसपी दे सुपरविजन दे विच इन्हां नूं काबू किया गया। तुहानूं दस दिए कि हुण पुलिस लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि एक्स एम एल ए सत्कार कौर 2017 तो 2022 तक वो एम एल ए रहे ने, उस तो बाद बीजेपी से शामिल होए और हुण किते किते नाल लिंक सीगे। इस सारी चीज़ों नूं लैके हुण पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती नज़र आ रही है। तुहानूं दस दिए कि हुण एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नूं एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सी। तुहानूं दस दिए कि हुण पूरी पुछगिछ जिहड़ी उह कीती गई है काफ़ी घंटे करीब 2:30 तो 3 बजे पूरी जिहड़ी पुछगिछ होई है, जिस तों बाद हुण पुलिस लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हुण पुलिस स्टेशन इन्हां नूं लाया गया है, हुण पुछगिछ की जाएगी किन्ने दिनों तो किहड़े-किहड़े लोगों के नाल इन्हां दे लिंक है। इस सारी चीज़ों नूं लैके हुण पुलिस जिहड़ी है इन्वेस्टिगेशन कर जुड़ गई है। फिरोजपुर देहाती तो साबका एम एल ए सत्कार कौर गैरी नूं अज नशा तस्करी के इल्जामां च गिरफ्तार किया गया। सत्कार कौर गैरी होरां दा घर सनी इनकलेव खरड़ दे विच मौजूद आ। इस वेले उत्थे ही असी मौजूद आ। पिछे तुसीं जिहड़ा घर देख रहे हो ये सत्कार कौर गैरी होरां दा ये घर है, यही रिहायश है और दस्या जा रहा है कि इसे घर तो वो चिट्टा सप्लाई करन दे लई निकले सी और महज इत्थों कुछ मीटर की दूरी पर 100-150 मीटर की दूरी पर ही वो मार्केट है सनी इनकलेव की, जिथे उन्होंने पुलिस ने घेरिया और उत्थे बरामदगी की गई, गिरफ्तार किया गया और बिल्कुल करीब 150 मीटर की दूरी पर एक घर है। दस्या जा रहा है कि इसे घर तो सत्कार कौर गैरी हुणी रवाना होए सी और एक घर है साबका विधायक का, जिसते वड्डे इल्जाम लगे ने, गंभीर इल्जाम। पुलिस का दावा है कि 100 ग्राम चिट्टा मौके पर बरामद होया ते बाकी रिकवरी इसे घर तो हुई है। 1.5 लाख नकदी जिहड़ी है और कुछ सोना ते 4 गड्डियां दस्या जा रहा है कि बरामद हो चुकिया ने हुण तिकर। तो एक घर है
जिस घर दे विच उन्हां दी रिहायशी, हालांकि फिरोजपुर दे विच वखरा घर है, पर यह खरड़ दे विच सनी इनकलेव मोहाली का, जिथे उन्होंने अपनी एक होर रिहायश बनाई सी और यही रिहायश है। और जिहड़ी हुण तक दी जानकारी है, अपने परिवार के समेत इत्थे रहिंदे सी और इसे घर दे विचों ओह रवाना हुंदे ने, उन्हां दे नाल एक साथी हुंदा, दो वख-वख गड्डियां ते रवाना हुंदे ने। जिहड़ी उन्हां दी अपनी BMW सी, उस दे विच दस्सिया जा रहा है कि उह सप्लाई देण दे लई चिट्टा लैके जांदे ने, और दूसरी जिहड़ी क्रूज़ गड्डी, उस दे विच नकदी जिहड़ी उत्थों लई जांदी है उह लै के मौके तों प्रवानगी करनी होंगी उन्हें साथी ने। पर इसे दौरान घेराबंदी होंगी है, पुलिस के कोल इनफॉर्मेशन सी, हालांकि पुलिस का दावा है कि उस वेले तक सानू नहीं पता सी कि वो एक सबका विधायक ने, पर जदों उन्होंने घेरा पैंदा गिरफ्तारी होंगी है तो पता लगता है कि जिस औरत नू तस्करी के इल्जाम च गिरफ्तार किया जा रहा, वो फिरोजपुर देहाती दे सबका कांग्रेस विधायक सतकार कौर गैरी ने। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वह इन्ने अनजान नहीं सी, क्योंकि अगर कला शख्स कोई ड्रग्स की सप्लाई देन गया तो मतलब यही है कि इस तो पहला भी डिलीवरी हो चुकी होगी। तो पुलिस सारे पन्ने फरोलेगी, सारे पन्ने फरोल के पिछले पन्नों ते की लिखिया, इस तो पहला कितनी क सप्लाई हुई है, कितने कितने नशा गया, तो कौन कौन लोग इस गोरख धंधे दे विच शामिल ने, कड़ी नाल कड़ी जोड़न की कोशिश करेगी पुलिस। खैर, पुलिस का दावा है कि मामले नू गहराई तक पड़तालिया जाएगा ते होर भी जिहड़े लोग इस दे विच शामिल होणगे उन्हां दी गिरफ्तारी होवेगी। मौके ते रिकवरी हुई है, घर तो भी तलाशी ली गई है, पैसा कहिंदे बरामद होया, सारा कुछ तुहाडी देखरेख च होया? बिल्कुल बिल्कुल, साडी देखरेख च होया। इक गड्डी मैं देख रहा, शीशा टुट्टिया होया, ये की कुछ वापरिया, ये गड्डी किस दी है, इसका शीशा किवें टुट्टा जी? ये क्रूज़ गड्डी है, बंदे दे नाल सीगे जिहड़े पैसे, ये दो काम ने, एक गड्डी नशा देना दी है, एक पैसे लेके जांदी है, पहला ये पैसे लेके भजन लगे सी गड्डी, ये इन्हें नाका तोड़िया साडा मुंडे दे, साडे दे पैर दे गड्डी चाड़ दी, उहदा सट लगी होई है, ये गड्डी पैसा लेके जा रही सी, हां हां ये पैसे लेके भजन लगे सी। ते जिहड़ा ड्रग्स है वह सतकार कौर वह दूजी गड्डी च BMW जाए सी, हां BMW च देण सी डिलीवरी। ते टोटल किन्ने लोकां नू मौके ते गिरफ्तार किया गया जी? दो बंदे, एक लेडी है, एक जेंट्स, दूजा जिहड़ा लड़का है वह रिश्तेदार दस्सिया जा रहा इन्हां दा? अजे उहदे बारे कोई सानूं लग्या नहीं हैगा वी रिश्तेदार कौन है, वह वेरीफाई करके वैसे कहण नूं भतीजा कह रहे आ, शायद मैं इहदे बारे वेरीफाई नहीं कीता हैगा जी, उहदी इंटरव्यूशन तों बाद असीं जो भी डिटेल होएगी तुहानूं दस देंगे। अच्छा, घर दी सर्च होगी जां हाले होणी है जी? होर घर दी होणी है जी, हां प्रॉपर जे करनी है थल्ले जी, हां। अच्छा, कुल किन्नियां गड्डियां मौके ते दो गड्डियां सी? दो गड्डियां ने, एक BMW एक क्रूज़ गड्डी है जी। अच्छा, एक चीज जरूर समझनी चाहूंगा, लोग बड़ा ध्यान नाल इस चीज सुन रहे होंगे कि 2.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर चुके ने, ऐसे व्यक्ति ते जो एडा वड्डा इल्जाम लग जाए नशा तस्करी का, तो यह जी ड्रग्स है वह अपनी गड्डी च लेके आए थे गांह किसी नूं देण दे लई, और मौके तो नशा बरामद होया उन्हां दे कोल? सानूं इस चीज़ का पता नहीं सी, XMLA ने की है, साढ़े तो एक जस्ट है जे ड्रग तस्कर के रूप से साढ़े को आए ने, बाद सानू एक गल की डिटेल सानू पता लगी भी ये पहला MLA रहे ने, XMLA ने। तुहानू जस्ट ये पता सी कि ये नशा तस्कर है और नशे की सप्लाई देन जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इन्ना सीगा भी साढ़े को ये टारगेट ने जो दस्से सीगा ये लेके आए। तो मौके ते तुसी इसे मार्केट दे विच बरामदगी हुई है जी? इत्थे इत्थे जी, सारा कुछ इत्थे कीता, लिखा पढ़ी सारी इत्थे कीती है जी। इस पूरे मामले की पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, सारा जो कुछ होया अंडर वीडियोग्राफी होया जी। हुण अगे इस तों बाद की कार्रवाई है तुहाडी, इहनां नूं थाने लैके जाओगे, उस तों बाद की कार्रवाई होनी है? उत्थे पुछगिछ होवेगी, सवेरे माल पेश होगा सारा जिहड़ा फड़िया हैगा जी, जज साहब दे पेश करांगे इहनां नूं, पुलिस रिमांड लवांगे, अगे जिहड़े इहनां दे बैकवर्ड लिंक ते फॉरवर्ड लिंक्स ने उन्हां बारे पूरी इन्वेस्टिगेशन करा। सर, वड्डा सवाल है कि उन्हां दा गिरफ्तारी होणी, की कहना चाहोगे? कुछ नहीं यार, सानूं तां पता ही लगदा वी घरे बैठे। हां जी, जे कोई गलत आ तो नहीं सर, बरिंदर सिंह कौन सीगा? बरिंदर सिंह कौन सीगा? मैनूं नहीं पता कौन बरिंदर सिंह, मैं तां मैं लगदा घरे बैठा आ, तां हुण वी बैठा आ, मैं तां दवाई लैके आया, मेडिसिन लैके आया। नहीं सर, गिरफ्तारी तां हो चुकी है 28 ग्राम दे विच। जो गलत कानून देखूगा की है, जो सच्चाई सर, ए पर मैनूं पता लग्या वी राजनीति च मैनूं किसे दा ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਚ ਬੇਟਾ ਪਰ ਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ ਆਪਦਾ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤਮਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲਰਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ये बहुत बड़ा मान्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम पहले बासुमती का जो भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो हमने हटा दिया। असल में कुछ राइस मिलर्स का रिक्वेस्ट ये भी था कि इसको कम कर दो, हमने पूरा हटा ही दिया है। और नॉन बासुमती का भी कम करने के लिए डिमांड था। जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत करके जो सिचुएशन है एक्सप्लेन करने के बाद इसको अगर ये डिसीजन लेने से किसान को फायदा होता है तो आप तुरंत कर दो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश हुआ। और इसमें हमको ऐसे तो राइस मिल वाले आके मुझे मिलते थे, लेकिन इसमें डिटेल इनपुट लोगों का जो मन का भावना है वो मेरे तक पहुंचाने में हमारे तरुण चुग जी और रवनीत बिट्टू जी ने बहुत बड़ा काम किया है। एयर की भी उन्होंने सारे कागज समझे तो जल्द ही एरा फैसला बुलाना से उन्होंने सू दसिया। उन्होंने कहा मैं स्टेट गवर्नमेंट सारे स्टेक होल्डर्स नाल चर्चा भी करांगा, टेक्निकल टीम्स ना भी चर्चा करांगा। खड़गपुर जी है टेक्निकल उन्होंने भी उन्होंने ऑर्डर जारी किए कि यारी सारी सर्च की जाए और टेक्निकली रिपोर्ट भी दी जाए और जल्द ही चंगा सुनेहा आ गया। और एक साडा स्पेस का मेन मुद्दा रहा कि कद तक सानू विश्वास दवाया जाए, क्योंकि मेन सरकार केंद्र की विश्वास दवा सकती है भी मैं 30 अप्रैल तक या 5वें महीने तक ये जगह वेली कर दावे तो जगह लग जाएगी। सानू उन्होंने 5-4 दिन का टाइम मंगया कोई, क्योंकि मान योग मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया इस काम के सिरे चाढ़ने वास्ते, क्योंकि सानू इन्होंने हमने मान योग प्रहलाद जोशी जी ने चुग साहब ने भी सारी BJP वाले ने कहा भी मंत्री साहब मुख्यमंत्री साहब भी निगाह ला के देख रहे हैं। सो असी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जेकर तुसी अज पंजाब दे उत्ते हाथ रख दो तो यह पंजाब बचेगा। आप लोग आज की बैठक से संतुष्ट? अभी तो हमारा काम स्टार्ट हुआ है, संतुष्ट तब होगा जब पंजाब में दिवाली मनेगी। कई आरोप ला रहे हैं, वो क्यों ला रहे ने? जे किसी दे मन च कोई मंशा होवे तो फिर MSP की जिहड़ी रकम वो 2 महीने पहले क्यों जमा हुई होंगी जी? वो तो असी पंजाब सरकार नूं दे चुके हैं, हुण चकना कम चुकाउणा कम ये तो पंजाब सरकार दा है, पंजाब दी एजेंसियां दा कम। पर फिर भी मैं उन्हां ते ये अजे इह जी सियासत नहीं करना चाहुंदा कि इहदे नाल कोई भी किसानां ते फर्क पवे, कोई भी साडे पंजाब ते फर्क पवे। पर असी होर की इहदे विच सेंटर सरकार की रोल अदा कर सकती है वो असी 3 दिन जिहड़े आ उन्हां तों होर मंगे आ।